जगह कर रहे हैं सुबह वाला, हम लोग ही लेट लतीफ है नया निर्मल। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी में हम जो भी करने वाले हैं वो आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल बज रहे हैं 9 और मैं और निर्भय पूरा रेडी हो चुके हैं, बस पूजा की तैयारी करने वाले हैं। निर्भय के डैड ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए निर्भय और हम थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं क्योंकि पूरा भी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ उठना करना 5 o'clock करना होता है ना, तो इसलिए आज आराम से कर रहे हैं। तो बस आज हमने येलो पहना है। निर्भय बताएगा कि येलो क्यों पहना है। बिकॉज मैचिंग कलर है और आज सरस्वती का पूजा करेंगे क्योंकि आज सरस्वती माता जी का दिन है और बसंत पंचमी, तो इसलिए येलो तो पहनना बनता है। तो बस हमने आज येलो पहना है और अभी बस हम जा रहे हैं पूजा की प्रिपरेशंस करने के लिए। और आज हमें मंदिर भी जाना है क्योंकि मंदिर से इन्विटेशन आया था, बहुत टाइम से पूजा ब्रेक वहाँ होती है बच्चों की, पूरा प्रॉपर जो भी आप होगा ना आपको देखने के लिए मिलेगा आगे तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो अगर आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें हम बोत्सवाना अफ्रीका में रहते हैं, तो यहाँ का लाइफ स्टाइल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स रोल। कार्टून, तो एक काम देती हूँ, भी आपको येलो कलर का फ्लावर ढूंढना है बाहर से जजर के लिए, लेकर आएंगे। चलो ले आओ प्लीज। येलो तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर व्हाइट देख लेना है। वैसे येलो, यस मुझे भी पता है, एक फूल लगा हुआ है। चलो तो फाइनली एक दिखाओ कौन सा है। ओ छोटा सा गेंदे का फूल है, येलो है, ले लो। नहीं येलो या फिर व्हाइट लेते हैं। इधर आ जाओ, व्हाइट इधर है, इधर है, यहाँ भी है व्हाइट, ये देखिए। तो ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें येलो कलर भी है, तो ये भी ले सकते हैं। फिलहाल निर्भय उधर गया दूसरा लेने के लिए, कुछ कहीं कहता है वहाँ पर येलो कलर के हैं। और हाँ ये एक ये हो जाएगा क्योंकि इसमें भी येलो कलर है और व्हाइट भी है। चलो और भी है। तो येलो फ्रूट में हमारे पास है मैंगो क्योंकि सीजनल फ्रूट है, तो मैंगो भी हो गया, हमारे फूल भी हो गए। निर्भय आप अपनी कुछ बुक्स भी ले आओ बेटा। आज के दिन हम लोग बनाते हैं मीठे चावल, जो येलो राइस होते हैं ना मीठे वाले, तो बस वही बनाती हूँ क्योंकि उसी का ही भोग लगेगा आज। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो बासमती राइस होते हैं ना उनको थोड़ा देर सोख करके रख लिया है 10-15 मिनट, और अब इनको हम बॉईल करेंगे, हाफ बॉईल करना, हाफ नहीं मीन 75% बॉईल करना। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है बॉईल होने के लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची, बड़ी इलायची और स्टार करके कोई स्पाइस होता है एंड लौंग। मैं केसर भी डाल रही हूँ तो उसका कलर तो आ ही जाएगा और उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छे से बॉयल होने देंगे फिर मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। देखो केसर का कितना अच्छा कलर आ गया ऑलरेडी। अब इसमें हम अपने जो राइस है ना, ये जो राइस है इनको ऐड कर देंगे, पानी के साथ भी डाल देंगे कोई बात नहीं, हमें स्ट्रेन ही करना है इनको बाद में। बॉयल हो रहे हैं ना तब तक मैं कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट कर रही हूँ। रेजन्स को कट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बादाम और अपनी जो पिस्ता होते हैं वो डाल रही हूँ। काजू भी डाल सकते हैं, काजू, हाँ काजू मैं भूल गई। और वैसे बेसिक जो इसमें डलता है ना वो तो होता है नारियल सूखा, जो खोपा जिसे कहते हैं, बट वो था नहीं घर पे तो इसलिए जो है उसी से ही बना रहे, बट इससे भी आंसर और अच्छा बन जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको चावल में कितना अच्छा कलर आया और खुशबू भी बहुत सही आ रही है। अब उनको हमें पूरा नहीं कुक करना होता। रेजिन्स भी इसमें डाल दिए और ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेन कर लिए थे राइस हमने। तो अब यहाँ पर मैं ये जो है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी चीनी डाल रही हूँ, हल्का सा पानी डाल लूँ बहुत हल्का सा, और इसे ढक करके हम रख देंगे बनने के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए राइस हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको भी ट्रांसफ़र करती हूँ। तो ये हमारे मीठे चावल रेडी हो चुके हैं जो कि हम अभी पहले तो भगवान जी को भोग लगाएंगे।
पता है कि आज कौन सा मंत्र है सरस्वती माता जी के लिए? जो आप यादेवी सर्वभूतिषि बोलते हो ना, उसमें सृष्टि की जगह आपको बस बुद्धि लगाना है। बोलो, यादेवी सर्वभूतेषु बुद्धि देवी संसिता बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वेरी गुड। जय हो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय आरती ले लो। माता रानी निर्भय पर अपनी कृपा बनाए रखना। कृपा के नीला इतनी मुश्किल है ना हिंदी। हाँ जी। जय हो जय हो जय। तो हम लोग की पूजा अभी फिनिश हो गई है, बस अब अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी काफी लेट हो गया, 10 बज चुके हैं, तो बस फटाफट मैं बनाती हूँ नाश्ता पानी। तो अभी मैंने निर्भय को ब्रेकफास्ट दे दिया है और ब्रेकफास्ट में आज है रोटी एंड आलू शिमला मिर्च एंड क्या दही। चलो खा लो। बस अभी शाम की तैयारी करने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। तो क्योंकि जो बच्चे पूजा करने वाले हैं संकल्प, वो उनको कुछ सामग्री लाने के लिए कहा गया है पंडित जी ने, तो वो सारी चीज़ें अभी कलेक्ट करनी है। और अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल बाद ये एक्टिविटी शुरू हो रही है, नहीं तो यहाँ पर तो एवरी सैटरडे संडे कुछ ना कुछ होता रहता है मंदिर में, कभी रामायण कभी सुंदरकांड का पाठ कोई ना कोई करवाते ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे से रौनक रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। बट 2 साल से काफ़ी कुछ बंद हो गया था, बट लेट्स प्रे कि इस साल सब कुछ वापस शुरू हो जाए। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से इंडियन लाइक कम्युनिटी के लोगों को इन्वाइट किया जाता है जब भी कोई इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, तो वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो इस तरीके से यहाँ इनवाइट आता है बोत्सवाना हिंदू सोसाइटी, वो सरस्वती पूजा के लिए इन्विटेशन है। और जो जो प्रोग्राम है, दीपक स्थापना, गुरु पूजा, गणपति पूजा, भोग, आरती, प्रसाद, वो सब इसमें आज होगा शाम को, तो वो सब आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो आप पढ़कर बताओ क्या क्या लेकर जाना है, आपको पता होना चाहिए। स्कूल नोटबुक फॉर पूजा, थाली फॉर पूजा कैन बी स्टील और एनी टाइप, सम फ्लावर्स, कुमकुम, राइस, सम फ्रूट्स, हल्दी, एनी फॉर। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक प्लेट लेनी है स्टील की, ठीक है, यस, पूजा थाली, फिर ये सारी जो चीजें हैं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कलेक्ट करके एक प्लेट में रखनी है, ठीक है। यस। तो एक आर्ट प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो निर्भय सैटरडे के लिए सेव करके रखता है कि सैटरडे को करेंगे। तो क्या है आज का? ये बुकमार्क। बुकमार्क बनाना है। दिखाओ क्या कर रहे हो। ये मैंने कट करा। हाँ। ये ऐसे मैंने कट करा। ओ। तो ये इंस्ट्रक्शंस है। ओके। तो आपको अभी क्या करना है? मेरे को ये करना है और ये इसको ब्रेड करना है। ब्रेड करना है। निर्भय एक दिन हम चैलेंज करेंगे, चैलेंज डे, कि निर्भय को पूरा दिन हिंदी में बात करनी है, ठीक है। तो अभी ऑफिस से आ गए हैं, 2:15 हो चुके हैं क्योंकि आज रहता है हाफ डे, क्योंकि सैटरडे हम हाफ डेज रहते हैं ऑफिस के, या फिर छुट्टी रहती है। जैसे निर्भय की तो छुट्टी है, इनकी हाफ डे था, तो बस अभी तो मेरी छुट्टी की सी बच्ची है। क्या हो गया? छोटी सी बच्ची है। तो पूजा की थाली निर्भय की रेडी हो चुकी है, फ्लावर्स भी ले आए, सुंदर से येलो फ्लावर भी मिल गए, फ्रूट्स, चावल, हल्दी, कुमकुम और एक किताब रखनी है। तो ये प्लेट हो गई रेडी हमारी। यहाँ निर्भय भी कुर्ता पहनकर रेडी हो चुका है, इसके पास येलो कुर्ता नहीं था क्योंकि अभी इतने टाइम से इंडिया ही नहीं गए हैं, तो गोल्डन है एनीवेज, पूरा दिन पहना था ना। और इधर इन्होंने, इनके पास तो हेयर टाइट टी शर्ट और रेडी हो गए, और बस अब हम, तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड येलो, हमने येलो कोशिश की है पहनने की क्योंकि बसंत पंचमी ने, एंड मैंने आज साड़ी पहनी है क्योंकि यहाँ साड़ी पहनने के मौके बहुत कम मिलते हैं और मुझे पहननी उतनी अच्छी लगती है। पहुंच
चुके हैं, बट बस अंदर जाएंगे और आपको पूजा भी दिखाते हैं। और मंदिर का सेपरेट व्लॉग अगर आपको पूरा देखना है कि कैसे अंदर क्या क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे अभी आने वाले हैं, सबके लिए जगह बना दिए। उदय पंडित जी हैं अपने 6 से 7 के बीच में है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े सभी बच्चे हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं निर्भय के साथ, क्योंकि 2 साल से वैसे ही कोविड चल रहा था और उससे पहले निर्भय बहुत छोटा था, तो अभी इन्विटेशन आया तो हमने सोचा क्यों ना करूँ। तो यहाँ पर मैं निर्भय के साथ बैठ गई हूँ कि कुछ चीज़ में किसी को प्रॉब्लम ना हो करने में पूछा, तो मम्मी लोग सब साथ में बैठ रही है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी बैठ गई हूँ। यू हैव टू चैंट ओम। फिनिश हो गई है और सब लोग प्रसाद यहीं पर भी खा सकते हैं और घर लेकर भी जा सकते हैं ड्यू टू कोविड। अच्छा, अब मुझे पता चल जाएगा कबीर माथुर, नहीं तो दोनों के नेम्स में कंफ्यूजन रहता था, मास्क में लिखा हुआ है ना। सारी भाभी आए, सारी भाभी और यहाँ पे निर्भय प्रसाद खा रहे हैं और निर्भय की फ्रेंड निधि खा रही है। कैसा है प्रसाद? अच्छा हाँ। तो प्रसाद में है कड़ी चावल एंड बच्चों के लिए नूडल्स एंड मंचूरियन भी था, और मीठे चावल जो मैंने बनाया था ना, मीठे चावल आज बनते हैं और बहुत टाइम बाद जो है प्रसाद खा रहे हैं ना सब लोग, और अच्छी रौनक लगी हुई है बहुत टाइम बाद। काफी लोग घर चले गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, यहीं खा रहे हैं, निर्भय भी खा रहे हैं। क्या लगा आपको सबसे अच्छा? फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स। ठीक है, नहीं पर ये रौनक इतनी अच्छी लग रही है ना, इतने टाइम बाद 2 साल बाद पूरा प्रॉपर वाली फील आ रही है। कड़ी बहुत ही अमेजिंग बनी हुई है और पकौड़ी भी बहुत सॉफ्ट है, और बच्चों को तो नूडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। क्या मेट्रो से ले लिया था? तो बस अभी हम लोग घर पहुंचे हैं मंदिर से, और इतने टाइम बाद ये रौनक देखकर ना बहुत अच्छा लगा। एंड लेट्स प्रे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले जैसा ही, और ऐसे ही हम आपको इवेंट्स दिखाते रहे यहाँ पर जो जो भी होता रहेगा। एंड आई होप आपको हमारा जो आज का ये जो सेलिब्रेशन था बसंत पंचमी का, बोत्सवाना अफ्रीका का, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।